उसी मेट्रो ट्रेन के सपने दिखाई जा रहे हैं, लेकिन अब ये सपने महज आश्वासन के रूप में ही नजर आ रहे हैं। दरअसल 31.55 किलोमीटर के इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 5.27 किलोमीटर के पहले फेज का काम नवंबर से शुरू किए जाने का दावा भी झूठा निकला। ये दावा प्रोजेक्ट लेने वाली कंपनी दिलीप बिल्डकॉन ने किया था। बावजूद इसके शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट के सपनों पर धूल पड़ी हुई है और प्रारंभिक चरण वाले रूट पर केवल पतरे पड़े हैं। आईएसबीटी से लेकर चंद्रगुप्त चौराहे के पहले चरण को लेकर न सिर्फ कंपनी बल्कि प्रशासन भी मौन है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मेट्रो को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि धीरे धीरे मेट्रो प्रोजेक्ट पिकअप कर रहा है और मेट्रो के इंजीनियर नियमित रूप से काम को देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को निगम और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक इस संबंध में हुई है और जल्द ही भू अर्जन और जमीन लेने संबंधी इशू को ठीक किया जाएगा। वहीं उन्होंने माना कि मेट्रो की समिति में उन्हें भी अध्यक्ष बनाया है, हालांकि अब तक उन्होंने बैठक नहीं ली है। कलेक्टर मनीष सिंह ने जब मोबाइलाइजेशन शुरू हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट का वर्क शुरू हो जाएगा तो वो स्वयं बैठक लेकर विशेष दिशा निर्देश देंगे। फिलहाल इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट सड़क पर कम, कागज पर ज्यादा विकसित है, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि कब तक मेट्रो की सौगात इंदौर को मिलेगी, क्योंकि रेंग कर चल रहे कार्य के बाद फिलहाल मेट्रो की उम्मीद रखना बेमानी है। कब तक सर ये आगे रफ्तार? मेरे ख्याल से पिकअप कर रहा है धीरे धीरे, और अभी उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर और जो चीफ इंजीनियर है इनके मेट्रो के, वो लोग रेगुलेटरी वर्क देख रहे हैं। भू अर्जन कुछ प्रकरण है, उसके लिए पवन जैन को मैंने लगा दिया है। कल एडिशनल कमिश्नर नगर निगम और पवन जैन जो हमारे एडिशनल कलेक्टर, इन लोगों की कंबाइंड मीटिंग हो रही है नीचे की टीम के साथ में, तो भू अर्जन या जमीन लेने संबंधी जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे कल वो। और अभी मेरे को भी अध्यक्ष बनाया, मैंने मीटिंग नहीं ली है अभी उसमें कोई। जब इनका मोबिलाइजेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर का वर्क शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं भी इसमें मीटिंग ले करके और हमारी तरफ से जो स्पीड अप कर सकते हैं हम लोग करेंगे उसको। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में भी कोई अपात्र लोग पाए गए हैं, क्या कार्रवाई करने वाले हैं क्या? उसमें किसी समाचार पत्र में एक खबर छपी थी जिसको मैं बोलता हूँ गलत खबर छपी थी वो। उसमें इस तरह के भाव दिए गए थे कि किसानों से पैसा वापस लिया जा रहा है, पूरे स्टेट वाइड खबर थी वो, किलो इंदौर की नहीं थी वो, पर ये गलत है। ये प्रधान पीएम किसान सम्मान निधि में जो हितग्राही पहले चयनित हुए थे उसमें कुछ लोग इनकम टैक्स पे ही थे, कुछ में डाइवर्टेड लाइन्स थी, वो लोग भी हो गए थे, और उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि हम पात्र नहीं हैं इसमें। तो ऐसे लोग जो किसान नहीं थे, जो किसान की श्रेणी में नहीं आते हैं, इनकम टैक्स पे ही हो गए, डाइवर्टेड लाइन्स करा के कॉलोनी कई जगह कॉलोनाइजेशन हो रहा था, ऐसे लोगों से जब इनको मालूम पड़ा कि ऐसे लोगों के पास पैसा गया है, उनको सूचना दी गई, उन्होंने तत्काल सभी ने पैसा वापस करा दिया है। इसमें कहीं भी कोई, और ये 1% से भी कम है, सामान्य सी चीज़ है। सीएम के कोई प्रोग्राम है आने वाले दिनों में जो हम बड़े प्रोजेक्ट